हेलो फ्रेंड्स, वगैरह एक नई वीडियो में इसके टॉपिक मैसेज टोन किस पर कैसे चेंज करते हो बताऊंगी। और फ्रेंड्स मेरे पास है और वीवो का फोन है, ये शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स मैसेज टोन तभी चेंज किया जाए जैसे आपके पास कोई मैसेज आता है तो फ्रेंड्स आपको पता ही चले तो आप मैसेज टोन आप अपने फोन में सेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताएंगे, ये शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको और ये वाला ऑप्शन दिखता है साउंड का, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे तब आपको यहीं पर दिखेगा और मैसेज टोन, आप उस पर क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ से बजा के दिखा देती है, म्यूट पर कोई साउंड नहीं होती, यहाँ से बजना शुरू होता है। एंड जैसे कि मुझे थीम वाला पसंद है एंड उसके वजह से बैक कर देंगे, बैक करते हैं। आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है। जैसे तरीके से आप अपनी फोन में मैसेज टोन चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं थीम लिखा हुआ, फिर से दिखा देती हूँ। जैसे कि इस बार मेरे को पसंद है फ्रेंड्स जैसे ग्रीन, एंड इसके बाद इसे बैक कर देंगे, फिर से चेंज हो चुका है, देख सकते हैं। वैसे तो मेरे को हैप्पी पसंद आया था एक साउंड, तो आप देख सकते हैं हैप्पी कहाँ पर लिखा हुआ है ये रहा। एंड इसके बाद इसे बैक कर देंगे और क्लिक करने के बाद इसे बैक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं हैप्पी लिखा हुआ आ जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स मैंने इसका चेंज कर दी, मैसेज टोन में आपको चेंज करना है। एंड ये रहा हैप्पी लिखा हुआ, एंड इसे बैक कर देंगे, यहाँ देख सकते हैं हैप्पी लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में मैसेज टोन चेंज कर सकते हैं और इसी तरीके से नोटिफिकेशन साउंड चेंज करते हैं, उसी तरीके से रिंगटोन भी। इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में मैसेज टोन चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स तब तक के नमस्कार।